Hello everyone, myself Dr. Dishan Pradeep. Class for 9th Physics. We are going to deal with the topics from work and energy. The topics are before you, and let's start the class. So, students, jo aaj ka your topic? Hai, that is work. Ye work energy chapter. से रिलेटेड है सो so, सबसे पहले देखते हैं वर्क होता क्या है हम कोई भी एक्शन करते हैं हम कहते हैं वी हैव डन वर्क वी आर रीडिंग वी आर सिंगिंग वी आर थिंकिंग सो वी से एनी थिंग दैट इज कंज्यूमिंग एनर्जी दैट इज वर्क हम ऐसा सोचते हैं बट दैट इज नॉट अ थिंकिंग इन द साइंटिफिक मैनर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक इंसान एक आदमी कंप्लीटली एग्जॉस्ट भी हो गया है इन ट्राइंग टू पुश अ रॉक अगर आपके पास एक दीवार को धक्का देते देते आप थक जाते हो और दीवार मूव नहीं करती आपकी एनर्जी तो कंज्यूम हो गई बट दीवार ने मूव नहीं किया दीवार में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आई तो हमारे हिसाब से साइंटिफिक मैनर इन अ साइंटिफिक वे नो वर्क इज डन सिमिलरली इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स इन मूविंग अ रॉक बट रॉक डज नॉट मूव सो वर्क इज नॉट डन सो कोई भी ऐसा तरीका जिसमें हम फोर्स तो लगाते हैं एनर्जी तो यूज करते हैं बट उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही फोर्स इज अप्लाइड बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट देयर दैट टाइम यू कैन नॉट से वर्क इज डन मीन्स वर्क इज नॉट ऑलवेज डन वेन एवर द एनर्जी इज कंज्यूम्ड जब भी एनर्जी यूज होती है इसका यह मतलब नहीं है कि वर्क हो गया यह मतलब नहीं है काम हो गया तो काम कब होगा काम कब कहेंगे कि वर्क इज डन सो यू कैन से वर्क इज डन वर्क इज डन कब कहेंगे जब नंबर एक आ मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट जब कोई भी चलता हुआ ऑब्जेक्ट आ जाता है किसमें ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह पे और अब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाता है तो हम कहेंगे वर्क इज डन नंबर टू यू कैन सी द वर्क इज डन इफ इसका अपोजिट होता है अ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स Moving, so you can say the work is done. So object rest पे आ गया या rest से motion में आ गया, दोनों cases में क्या हो गया? Work done हो गया. तीसरा case when the velocity changes, when the velocity of object changes. एक constant velocity थी, magnitude same था, but एकदम सडनली आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है सो वी कैन से द वर्क इज डन एंड द फोर्थ केस द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं कॉन्फिग्रेशन शेप चेंज होने से भी आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट क्या था उसने डन हुआ या उस वर्क डन हुआ सो साइंटिफिक कंसेप्ट क्या है डन का तो साइंटिफिक कंसेप्ट समझ आ गया हमें कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है और उस पे Means, पर फोर्स भी अप्लाइड हो मींस आपके ऊपर क्या हुआ आपने अप्लाई कर दी फोर्स फोर्स अप्लाई की और आपके ऊपर क्या हो रहा है मोशन तो साइंटिफिक मैनर में दो चीजें एक साथ हों मींस फोर्स इज अप्लाइड फोर्स अप्लाइड हो रही हो और नंबर दो बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड अगर ये केसेस आपके पास बन रहे हो ये दोनों कंडीशंस आपके पास बन रही हो तो आप कह सकते हो क्या कह सकते हो कि वर्क इज डन तो ये बात समझ आ गई वर्क डन हो गया अब वर्क डन कितना हुआ फोर्स कितनी लगाई गई तो उसलिए हमें देखना पड़ेगा कि फोर्स वर्क डन कैसे निकालेंगे तो हम देखते हैं वर्क डन कितना हुआ डन बाय अंस्टेंट फोर्स बाय अस्टेंट फोर्स कितना हुआ चलिए क्या किया है हमने हमने एक ऑब्जेक्ट लिया डन एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका एक मास था एम जिसका मास ऑब्जेक्ट ले लिया हमने जिसका मास क्या था जिसका मास था भाई एम था इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाई एफ जैसे ही फोर्स एफ लगाई उस ऑब्जेक्ट में मोशन एग्जीक्यूट हुआ उसकी इनिशियल पोजीशन उस ऑब्जेक्ट की चेंज हुई उसकी एक न्यू पोजीशन आ गई फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस जो था वो था एस मींस योर ऑब्जेक्ट डन हैज कवर्ड सम डिस्प्लेसमेंट और वो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है एस के बराबर नाउ योर ऑब्जेक्ट हैज चेंज सो दोनों कंडीशन एप्लीकेबल हो गई फोर्स भी अप्लाई हो गई और फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट एस भी आ गई तो इस केस में इसका मतलब है क्या हो गया वर्क डन हो गया वर्क हो गया आपका वर्क हो गया तो कितना हुआ वर्क तो वर्क हो गया आपका जितनी फोर्स लगाई फोर्स अप्लाइड इनटू द डिस्प्लेसमेंट जितनी आपकी बॉडी डिस्प्लेस हुई है उन डिस्प्लेसमेंट का और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाई गई है दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी वर्क डन तो ये बात समझ आ गई सो वर्क डन किसके बराबर हो गया फोर्स इन टू सो अगर वर्क फोर्स एफ है इन टू डिस्प्लेसमेंट एस हो गया अब ध्यान रहे वर्क जो है उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती सो so वर्क क्या है इज अ स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी कोई भी डायरेक्शन ना हो नो सिग्निफिकेंट डायरेक्शन नो सिग्निफिकेंट डायरेक्शन ठीक है जी अब ये तो हो गया कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है अब बात करते हैं व्हाट आर द यूनिट्स। यूनिट्स क्या है भाई वर्क के यूनिट क्या होता है वो एक स्टैंडर्ड वो एक यूनिटी जिसकी हेल्प से या जिसको रिपीट करके मुझे टोटल फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू मिल जाती है सो बच्चों यूनिट है इसके न्यूटन मीटर क्या यूनिट है न्यूटन मीटर सिंपली कह सकते हो एन एम क्या इसे आप लिख सकते हो जॉल्स तो यूनिट क्या हो गए जोल हो गए अब कब कहेंगे जॉल है सो जॉल जो है अम वन जॉल किसके बराबर हुआ हमारे पास वन जॉल ऑफ यूनिट वन जॉल ऑफ वर्क डन किसे कहेंगे वन जोल ऑफ डन किसे कहेंगे भाई वन जोल ऑफ डन कहेंगे हम जब हम देख लीजिए ध्यान से हमारे पास एक बॉडी है क्या है एक बॉडी है उस बॉडी ने जब उस पे फोर्स लगाई गई एफ फोर्स कौन सी है एफ फोर्स है उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है भाई उसने क्या किया डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है कितनी एस अगर फोर्स की वैल्यू वन न्यूटन हो और आपके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एस की वैल्यू वन मीटर हो एफ कितना है वन न्यूटन एस कितना है वन मीटर देन वर्क इज इक्वल टू वन न्यूटन इंटू वन मीटर दैट विल बी वन न्यूटन मीटर बच्चे उस समय हम कहेंगे वर्क डन कितना हो गया वन जॉल तो डेफिनेशन क्या हो गई एक जॉल वर्क की डेफिनेशन क्या हो गई एक जॉल वर्क वन जॉल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन सेड टू बी डन वेन वन ऑफ फोर्स वन न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड किसके लिए टू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट बाय वन मीटर ध्यान रहे एक जॉल वर्क डन किया कब जब एक न्यूटन फोर्स लगी और एक न्यूटन फोर्स से आपका ऑब्जेक्ट मूव कर गया वन मीटर सो वन न्यूटन इंटू वन मीटर क्या हो गया आपका वन जॉल हो गया बात समझ आ गई आपको चलिए तो फिर से एक बार इसकी एग्जांपल्स को सेट डाउन कर लेते हैं सो so, एक बार एग्जाम्पल्स को रिव्यू कर देते हैं कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हो गई आपकी कैसे वर्क डन का पता चलेगा रिव्यू कर लीजिए साइकिलिस्ट इज पैडलिंग द साइकिल साइकिलिस्ट ने क्या किया जैसे साइकिलिस्ट है उसने अपने साइकिल को पैडल मार रहा है पैडल मार रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है पैडल मारने से मींस फोर्स लगाने से उसका साइकिल आगे मूव किया उसने अपनी पोजीशन चेंज की तो उसने क्या कर दिया वर्क डन कर दिया मैन लिफ्ट सम वेट किसी मास को मूव करता है उठाता है अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वर्क इज नॉट डन बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन ऑब्जेक्ट ने लोड को अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव किया तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई डिस्प्लेसमेंट हुई पोजीशन चेंज करने से तो पोजीशन अगर आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग है और आपने मूवमेंट वाई एक्सिस के अलोंग की तो कोई भी वर्क डन नहीं हुआ और जिस तरह एक कुली जो है ले आपका कैरी करता है लोड ऑन इज हेड स्टैंड स्टेशनरी अ मैन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन अ बिग रॉक बट रॉक इज नॉट मूविंग दैट मीन्स वर्क इज नॉट डन तो फोर्स जितनी मर्जी लगा लो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो वर्क डन नहीं होगा भाई तो बात समझ आ गई ये था आपका वर्क डन अब वर्क डन जो है वो भी डिफरेंट टाइप्स का हो गया वो भी टाइप्स हो गई वर्क डन की भी टाइप्स हो गई वर्क डन पॉजिटिव भी हो जाता है तो नेगेटिव भी हो जाता है पॉजिटिव भी हो जाता है और नेगेटिव भी साथ में जीरो भी हो जाता है लेकिन डिपेंड किस पे करता है डिपेंड करता है उन्हीं दो चीजों पे कौन सी फोर्स कैसी है और डिस्प्लेसमेंट कैसी हुई बात समझ आई चलिए देखते हैं किन केसेस में आपके पास डन जो है वो पॉजिटिव है किन केसेस में नेगेटिव है और कब जाके हो जाता है? है चलिए देखते हैं सबसे पहला केस लेते हैं पॉजिटिव डन का आपके पास एक मूवमेंट है मूवमेंट जो है फोर्स की मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट देखिए ऊपर और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है आपके पास जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है बोथ आर इन सेम डायरेक्शन व्हेन Applied force is parallel to the displacement. Positive work is said to be done. work done Positive work is said to be done. बात समझ आ गए पॉजिटिव वर्क डन कब हुआ जैसे आपके सामने देखिए ये बच्ची जो है इस बच्ची ने फोर्स लगा रही है इस कार पे इस कार को जिसे आपने इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है इसको अपनी तरफ खींच रही है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गई ये मैग मोशन भी हो गया यही कार इसी तरफ मूव कर रही है टेबल के ऊपर जब कार मूव कर रही है फोर्स भी लग रही है तो वर्क डन कैसा हो गया पॉजिटिव तो इस केस में आपके पास वर्क डन हो गया पॉजिटिव ठीक है दूसरा केस देखते हैं जब आपके पास वर्क डन कैसा हो गया नेगेटिव हो जाता है देख लेते हैं दूसरे केस में नेगेटिव हो जाता है कंपेयर भी कर लेते हैं सिंपली देख लो ध्यान से नेगेटिव वर्क डन पॉजिटिव हमने देखा कि फोर्स और मोशन की डायरेक्शन दोनों एक जैसी है बट अगर फोर्स की डायरेक्शन कोई और हो फोर्स इधर हो और मूवमेंट इधर हो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन नेगेटिव वर्क इज सेट टू बी डन नेगेटिव वर्क इज सेट टू बी डन टू बी डन वेन फोर्स एंड मोशन आर एंटी पैरल एंटी पैरल अब दोनों को मैं कंपाइल करूंगा पॉजिटिव कब हुआ जब थे पैरल मीन्स दोनों के बीच में थीटा कितना था जीरो डिग्री और नेगेटिव कब हुए जब थे एंटी पैरल एंटी पैरल मींस थीटा कितना हो गया वन एटी डिग्री थीटा कितना हो गया भाई वन एटी डिग्री हो गया बात समझ आ गई तीसरा केस मैंने आपको बताया कि वर्क डन जीरो भी हो सकता है वर्क डन जीरो होने का मतलब ये नहीं कि मूवमेंट खत्म हो गई तो वहां तो वर्क करने की कोशिश ही नहीं की हमने लेकिन यहां पे हमने वर्क डन करने की कोशिश की मींस हमने फोर्स भी लगाई फोर्स भी लगाई बट और डिस्प्लेसमेंट भी हुई बट फिर भी हमारा वर्क डन कितना हो गया जीरो कब हुआ ऐसा जब फोर्स अप्लाइड इज परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर भाई फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है ध्यान से देखो इस डायग्राम को अर्थ जो है वो सैटेलाइट के ऊपर फोर्स लगा रही है टूवर्ड्स इट सेंटर सेंटर ग्रेविटेशन फोर्स कह सकते हो आप इसे या सिंपली कह सकते हो ये सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कर रही है क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कुलर मोशन ले रहा है फोर्स लगी ग्रेविटेशन और मोशन हो गया यहां पे अलोंग द सर्कल जब मोशन अलोंग द सर्कल है तो उस मोशन की डायरेक्शन कौन देगा मोशन की डायरेक्शन देगा हमें द टैंजेंट और बच्चे आप लोगों को पता है सबको पता है टैंजेंट जो होता है टैंजेंट इज ऑलवेज पर पैंडिकुलर पर पैंडिकुलर टू द रेडियस अब टेंजेंट के हो रहा है मोशन, रेडियस के लगी है फोर्स, इसका मतलब है दोनों क्या हो गए परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का मतलब है थीटा कितना हो गया 90 डिग्री तो बच्चे जब थीटा 90 डिग्री हो जाए तो तब हमारा वर्क डन क्या हो जाता है जीरो हो जाता है वर्क डन कितना हो गया जीरो हो गया तो आप लोगों को पता लग गया समझ आ गई बात कि वर्क डन कब हुआ पॉजिटिव जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हुए सेम डायरेक्शन में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो हो गया आपका वर्क डन नेगेटिव और तीसरा केस जब फोर्स लग रही है यहां और डन हो गया ऊपर अलोंग द रेडियस फोर्स लग रही है और टैंजेंट के अलोंग हो रहा है मोशन तो वर्क डन आपका हो गया जीरो क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है यहाँ पे मोशन है यहाँ पे फोर्स है तो दोनों हो गए 90 डिग्री वर्क डन हो गया जीरो तो बच्चों ये समझ आ गया सो चलिए देखते हैं एक नोमेरिकल करके नोमैरिकल करेंगे तो हमें क्लैरिटी आ जाएगी चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं आपकी टेक्स्ट बुक की तो बच्चों क्वेश्चन है अकुली लिफ्ट से लगेज कुली एक लगेज उठाता है कितना 15 किलोग्राम फ्रॉम द ग्राउंड हिज हेड 150 मीटर अब द ग्राउंड कैलकुलेट वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज ध्यान से देखिए क्या है आपके पास मास कितना है मास ऑफ लगेज जो जो गिवन है उन सबको लिख लीजिएगा 1.5 किलोग्राम और लिख लीजिए का इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे दूसरा आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है एस के बराबर और ये कितनी है 1.5 मीटर डन अब तीसरी चीज आ गई वर्क डन वर्क डन is equal to force into displacement force is equal to mass into gravity acceleration into s mass aageya aapka 1.5 g aageyi aapki 9.8 s displacement aageyi 1.5 sabko jab hum multiply karenge you would get 22.05 तो ये बात समझ आ गई आपको सो so, ये था आपके पास इतना जॉल्व अब इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ जॉल और कभी कभी ये अगर ऑब्जेक्टिव में हो सो यू कैन आल्सो हैव द सेम आंसर विद द डिफरेंट सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जॉल दैट इज न्यूटन मीटर तो ये बात समझ आ गई आपको चलिए कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं इसी के बेस पे तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 149 से है क्वेश्चन क्या है अ पेयर ऑफ ब्लॉक्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ वन फोर्टी नीटर सो फोर्स अप्लाइड एफ

वर्क डन किसके बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ से इनटू एस एफ एफ कितना है न्यूटन और एस कितना है फिफ्टी सो so, आपके पास क्या आ गया टू वन जीरो जीरो सो so, बच्चों जब आपने ये किया तो उसके बाद आपको आंसर क्या मिल गया

फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ठीक है बच्चों तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन और भी क्वेश्चंस थे जैसे कि आपको डिफाइन करना है वन जॉल ऑफ वर्क सो वो भी हमने अभी किया है ठीक है बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बच्चे अगला क्वेश्चन भी आपकी टेक्स्ट बुक का ही है So, यहां पे आपके पास क्या है क्वेश्चन में क्या लिखा है फोर्स ऑफ सेवन न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है आपके पास इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने कितनी लगाई सेवन न्यूटन की फोर्स लगाई मान लीजिए इस डायरेक्शन द डिस्प्लेसमेंट इज से एट मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फोर्स की डायरेक्शन भी यही है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट भी उसने कहा कि सेम डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट कितनी डिस्प्लेसमेंट है आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कितने दूरी पे जाके रुकता है सेवन मीटर एट मीटर सेवन मीटर हो गया आपका सेवन न्यूटन हो गया आपकी फोर्स एट मीटर हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट लेट अस टेक इट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज द वर्क डन सो चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन है सबसे पहले लिखेंगे फोर्स कितनी है सेवन न्यूटन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एट मीटर तो बच्चों फोर्स भी दी गई है डिस्प्लेसमेंट भी दी गई है फोर्स को अगर एफ लिखें डिस्प्लेसमेंट को अगर एस लिखें तो वर्क डन जो है दैट इज फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट फोर सेवन इन टू एट दिफ्टी सिक्स न्यूटन मीटर लिख सकते हो या फिफ्टी सिक्स जॉन्स तो बच्चों मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा सो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास बी विद मी एंजॉय फिजिक्स गुड बाय सी यू सून